वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। सो हम लोग फॉरेंसिक वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे ड्रेप की प्रिपरेशन के लिए। उसमें नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स 1976। रूल नंबर वन हमारे पास है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, ड्रग्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स 1976, जबकि कमेंसमेंट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। डेफिनेशन इस रूल में जो भी बताई गई है अनटिल एंड अनलेस उसमें जो है कोई चेंज ना लाए जाए। तो एक्ट का मतलब क्या होगा, ड्रग एक्ट 1976। प्रीवियसली हमने जो रूल्स डिस्कस किए थे उसमें एक्ट का मतलब था ड्रग एक्ट 2012, जबकि यहाँ पे हमारे पास है ड्रग एक्ट 1976। फॉर्म का मतलब जो भी फॉर्म इस रूल के अंदर बताए गए हैं वो। चैप्टर नंबर टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। तो रूल नंबर थ्री हमारे पास है इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड ड्रग्स। फिनिश्ड ड्रग जो है वो इम्पोर्ट की जा सकती हैं इन कंडीशंस की बेसिस पे। सबसे पहला जो है इम्पोर्टर के पास जो है वो लाइसेंस हो सेल का, ठीक है, या तो वो जो है रिटेल सेल का हो, होल सेल वगैरह, ठीक है, इसका लाइसेंस हो। उसके अलावा उसमें जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो स्टोरेज के लिए जो भी इम्पोर्टेड ड्रग की है, ठीक है, और प्रॉपर स्टोरेज के अलावा दूसरी जितनी भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं कि ड्रग की जो है प्रिजर्व की जा सकें, क्वालिटीज़ या कंडीशंस प्रॉपर्टीज़, तो उसके लिए जो है प्रॉपर उसके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा इम्पोर्टर जो है ना, जब भी इस तरह का कोई अगर मंगाता है ड्रग तो विद इन 15 डेज़ के अंदर फॉर्म वन के थ्रू जो है फेडरल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड ऑफिसर को बताएगा। इसके अलावा जो ड्रग इंपोर्ट की जाएगी वो कंटेनर ऐसे होंगे कि वो जो है रिटेल सेल के लिए या जो है सप्लाई के लिए हो, हॉस्पिटल्स की या डिस्पेंसरी वगैरह या अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब इस तरह के कंटेनर के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी ड्रग इंपोर्ट की जाएगी इन इंडेंट्स के अगेंस्ट, तो उनका जो है ना ऑथराइज इंडेंटर्स के थ्रू या जो है लोकल एजेंट जो भी है मैन्युफैक्चरर के, उनका जो है इंडेंट इशू किया जाएगा और उसकी बेसिस पे जो है ये ड्रग इंपोर्ट की जाएंगी जो भी फिनिश फॉर्म में। इसके अलावा कोई भी अगर हमारे पास ड्रग इंपोर्ट की जाती है बल्क कंटेनर्स के अंदर और उस जो है पर्सन के पास रीपैकेजिंग का लाइसेंस है, तो वो जो है बल्क में जो है इम्पोर्ट कर सकता है प्रायर जो है परमिशन के साथ, परमिशन जो भी है वो ऑफिसर ऑथराइज होगा फेडरल गवर्नमेंट का, वो उसे जो है इस तरह की जो इंपोर्ट की प्रायर ऑथराइजेशन देगा। इसके अलावा रूल नंबर फोर टाइप्स ऑफ लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग। लाइसेंस जो हमारे पास ड्रग की इंपोर्ट के लिए मिलते हैं उनकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। पहला जो है लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग्स अदर देन फिनिश ड्रग्स, मतलब फिनिश के अलावा, फिनिश वाली तो हमने कहा कि जिसके पास सेल वगैरह का लाइसेंस था वही मंगा पा रहा था। अब फिनिश फॉर्म ऑफ ड्रग के अलावा जो लाइसेंस है वो, या दूसरा जो है लाइसेंस टू इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग, जो कि क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन टेस्ट या एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ की जाए। रूल नंबर फाइव हमारे पास है लाइसेंस ऐसी ड्रग की इंपोर्ट के लिए जो एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता हो, तो उसके लिए जो है ना एक ही एप्लीकेशन बनाई जाएगी और एक ही जो है लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। जब भी अगर एक से ज़्यादा ड्रग या ड्रग की क्लासेस एक मैन्युफैक्चरर बनाता हो, मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई फार्मास्यूटिकल है या एक मैन्युफैक्चरर है वो एक या एक से ज़्यादा जो है ड्रग की क्लासेस बना रहा है, तो उससे जो इम्पोर्ट करनी होगी ना, तो उसके लिए सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन और सिंगल लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। और इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरर जिससे ड्रग इम्पोर्ट की जा रही है उसकी जो है प्रीमिसेस दो है, मतलब बनाने वाला एक ही है, एक उसकी जो है फॉर एग्जांपल लोकेशन यहाँ है, दूसरी किसी और जो है एरिया में है, किसी और सिटी में है, किसी और मुल्क में है, तो दो अलग अलग उसके प्रीमिसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के। ड्रग बेशक सेम है, जो यहाँ पे बना रहा है वही वहाँ बना रहा है, तो सेपरेट प्रीमिसेस के लिए अलग एप्लीकेशन और अलग लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। जो भी जो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग उस प्रीमिसेस में हो रही होगी, मतलब यहाँ का अगर हम लाइसेंस बनवा रहे हैं तो यहाँ हैदराबाद का एक लाइसेंस हो गया, दूसरी अगर लाहौर में बन रही है तो लाहौर का दूसरा लाइसेंस होगा, तो इस तरह से मतलब जिस प्रेमिसेस में बन रही है जहाँ से वो मतलब ड्रग इंपोर्ट की जा रही है किसी भी कंट्री से, तो अगर उसकी प्रेमिसेस एक से ज़्यादा है बनाने की तो हर प्रेमिसेस का अलग अलग लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा जो भी एरिया अलग अलग बना रहे। रूल नंबर सिक्स है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इम्पोर्ट ड्रग। एप्लीकेशन जो भी दी जाएगी जो है इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए, जो भी लाइसेंस बन रहा है अदर देन फिनिश ड्रग, ठीक है, फिनिश ड्रग के अलावा,
तो वो जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फार्म टू के थ्रू जो है दिया जाएगा, और साथ में जो है फीस पे की जाएगी 7,500 रुपये, और उसकी जो है अंडरटेकिंग साइन की जाएगी फार्म थ्री के थ्रू, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे जो है वहाँ पे साइनिंग ली जाएगी फार्म थ्री के अंदर। इन केस के जो है अगर कोई सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन देता है, मतलब जो इम्पोर्टर है वो सेम इम्पोर्टर एक और एप्लीकेशन देता है कि एक और कोई इम्पोर्ट लाइसेंस वो ऐड करना चाहता है ड्रग मैन्युफैक्चरर की गई है किसी जो है मैन्युफैक्चरर के नाम से, तो उसके लिए उसे जो है अलग से जो है ए फी और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जो 7,500 रुपये दोबारा होगी। मतलब वही अगर सेम इम्पोर्टर है जिसने एक लाइसेंस लिया पहले एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर वो दूसरे ही जो है किसी और मैन्युफैक्चरर से दोबारा जो है सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन दे रहा है मंगाने के लिए, तो उसके लिए उसे दोबारा एप्लीकेशन और 7,500 की फ़ीस देनी पड़ेगी। इन केस के अगर जो है लाइसेंस जो इशू किया गया था वो ओरिजिनल लाइसेंस ख़राब हो जाता है, कोई भी जो है गुम हो जाता है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो डुप्लीकेट कापी के लिए जो है फ़ीस पे करनी पड़ेगी 7,500 रुपये दोबारा, फिर जो है उसको डुप्लीकेट कापी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है जैसे क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन वगैरह या टेस्ट एनालिसिस वगैरह के लिए, तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन जो दी जाएगी लाइसेंस के लिए वो फॉर्म फोर के थ्रू दी जाएगी। ठीक है, अब प्रीवियसली हमारे पास था फॉर्म टू, अब यहाँ पे जो है फॉर्म फोर के थ्रू जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ जो ड्रग की रिक्वायर्ड हो उनकी इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस याद रखें और फिर जो है उस लाइसेंस के लिए जो है फॉर्म फोर के थ्रू वो देंगे। जो भी फीस डिपॉजिट की गई है अंडर रूल नंबर 1 या 2 के, तो वो जो है नॉन रिफंडेड होगी, मतलब वो जो है रिफ़ंड नहीं की जाएगी। रूल नंबर 7 हमारे पास है लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग्स, जो लाइसेंस है अदर देन फिनिश फॉर्म ऑफ ड्रग जो भी इंपोर्ट की जा रही है उसके लिए जो है फॉर्म 5 के थ्रू लाइसेंस दिया जाएगा, और अगर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग जो भी क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन टेस्ट वगैरह के लिए रिक्वायर्ड थी तो उनके लिए जो लाइसेंस इशू किया जाएगा वो फॉर्म 6 के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो और हमारे पास हो गए कि फॉर्म 5 जो है वो जो हमारे पास फिनिश फॉर्म के अलावा ड्रग्स की इंपोर्ट की जाती है उनके लाइसेंस के लिए, जबकि फॉर्म 6 जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ जो ड्रग की रिक्वायर्ड होती है उनके लाइसेंस के लिए। रूल नंबर 8 हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस जो ड्रग की इंपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो लाइसेंस इशू किया जाएगा इंपोर्ट ऑफ ड्रग अनटिल एंड अनलेस उसको सस्पेंड या कैंसिल ना किया जाए तो वो जो है वैलिड रहेगा 2 साल के लिए। रूल नंबर 9 लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अब इस पर्पज़ के लिए जो है अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है कौन अपॉइंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी वो जो है लाइसेंस इशू करेगी इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए। ठीक है, इसमें जो है कोई भी पर्सन या उसके सबॉर्डिनेट जो भी अथॉरिटी ने उनको अप्रूव किया हो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में इसके आर्डर देगी और वो जो है इन्हें पावर देगी कि वो जो है साइन कर सकते हैं लाइसेंस पे, और उनके पास ये पावर होंगे कि वो जो है ड्रग इंपोर्ट के लिए लाइसेंस दे सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 10 हमारे पास है ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होगी लाइसेंस के लिए तो जो है इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए लाइसेंस जो है वो अथॉरिटी देगी अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, और कंडीशन जो है लाइसेंस के लिए वो देखी जाएंगी और सब चीज़ें अगर उसके बाद वो सेटिस्फाई होते तो वो ग्रांट करेंगे तो वो जो है लाइसेंस इशू कर देंगे इंपोर्ट ऑफ द ड्रग के लिए। रूल नंबर 11 हमारे पास है कंडीशन ऑफ लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग्स, अब कंडीशन क्या है जब भी ड्रग की जो है इंपोर्ट की जाए अदर देन फिनिश ड्रग। ठीक है, तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ हमारे पास कंडीशन है, सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरर जो है वो हमेशा जो है अंडरटेकिंग देगा कि वो जो फार्म 3 पे हमने कहा था कि उसके बिहाफ पे मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे जो है अंडरटेकिंग दी जाएगी फार्म 3 पे, क्योंकि फार्म 2 पे तो जो है
लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन हो रही थी, जबकि फार्म थ्री पे उसकी जो है अंडरटेकिन हो रही थी, तो फार्म थ्री के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरर अंडरटेकिन देगा। उसके अलावा लाइसेंस जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अलो करेगा, या कोई भी पर्सन जो अथराइज होगा उसके बिहाफ पे, मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बिहाफ पे, वो जो है नोटिस के साथ भी या विदाउट प्रायर नोटिस, कोई नोटिस ना भी दे, वो जो है इम्पोर्टेड ड्रग जहाँ पे भी स्टॉक की जा रही है या जो है इम्पोर्टेड ड्रग रखी गई है वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट कर सके, ठीक है। या अगर जो है टेस्टिंग की जाए ड्रग की, तो उसके लिए जो है वो सैंपल वगैरह भी ले सकते हैं या टेस्टिंग कर सकते हैं ड्रग की। तो ये जो है अलो करेंगे लाइसेंसी, मतलब जिसके पास भी इंपोर्ट का लाइसेंस होगा वो जो है अथॉरिटी को अलो करेगा। इसके अलावा लाइसेंसी जो है, जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें जो है हर बैच से कोई ड्रग की क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, या जो है कुछ बैचेस वो स्पेसिफाई करें, या कोई बैच जो बोले कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के इसमें से जो है हमें टाइम टू टाइम इतना सैंपल रिक्वायर्ड है ताकि हम जो है इसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन या टेस्ट वगैरह कर सकें, ठीक है, तो वो भी जो है लाइसेंस होल्डर प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा अगर टेस्ट के लिए कोई प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड है तो वो भी जो है लाइसेंसी जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को वो प्रोटोकॉल्स भी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो है लाइसेंसी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, जो भी लाइसेंस होल्डर है वो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ताकि जो है ड्रग जो भी इम्पोर्टेड ड्रग है उसकी जो है प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रिजर्व किया जा सके, ताकि जो है वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहे। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड रखेगा जो भी इम्पोर्टेड ड्रग यूटिलाइज हुई है, ठीक है, उसमें जो है एक जो भी उससे सब्सटेंस मैन्युफैक्चर किए गए हैं उन स्पेसिफिक जो है इम्पोर्टेड ड्रग्स है। इसके अलावा कोई भी अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई और रिकॉर्ड मेंटेन करने की कहती है तो वो सब जो है रखेंगे, और वो सब रिकॉर्ड जो है वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी या जो भी उनका अथराइज पर्सन है लाइसेंसिंग अथॉरिटी का, वो जाके उस रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है वो कोई भी इस तरह की फर्दर रिक्वायरमेंट्स होंगी, कोई भी अगर जो है इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए होल्डर के लिए एप्लीकेबल होंगी वो जो है इन रूल्स में स्पेसिफाई की जा सकती हैं, ठीक है, इस एक्ट के तहत, तो वो भी जो है उनको ज़रूर फॉलो करेगा। मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई और अगर एक बताता है कि ये फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी इस जो है ड्रग इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए, तो वो भी जो है लाइसेंस होल्डर को करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसका नोटिस दिया जाएगा एटलीस्ट जो है 3 मंथ पहले ही, कि भाई ये सारी चीज़ें जो है विद इन 3 मंथ्स आपने कर लेनी है। रूल नंबर 12 हमारे पास है, कंडीशंस ऑफ लाइसेंस टू इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग। जो भी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह के लिए अब अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ ड्रग की रिक्वायर्ड होती है उनके लिए क्या कंडीशन है, तो जब भी इस तरह की स्मॉल क्वांटिटीज़ जो है रिक्वायर्ड है इंपोर्ट करने के लिए ड्रग की, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज़, तो उनके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन आ जाती है। पहला, लाइसेंसी जो है वो बताएगा कि किस लिए जो है ड्रग यूज़ की जा रही है, मतलब इंपोर्ट क्यों की जा रही है, स्पेसिफाई करेगा लाइसेंस के अंदर कि ये ड्रग जो है इस पर्पज़ के लिए इंपोर्ट की जा रही है। और उसके अलावा जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को टाइम टू टाइम उसके बारे में बताता रहेगा। उसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी या उसके पर्सन को अलो करेगा कि वो जो है नोटिस दिए बगैर या नोटिस देके किसी वक्त भी जो है उन प्रेमिसेस में आ सकते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी वो ड्रग रखी गई है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जो है टेस्ट के लिए सैंपल भी ले सकते हैं या जो है वहाँ पर भी कोई टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड रखेगा और वो जो है रिपोर्ट करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सारा रिकॉर्ड, जो भी जो है इम्पोर्टेड ड्रग थी उसके बारे में, इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ इम्पोर्ट की गई थी, डेट ऑफ इम्पोर्टेशन कब इम्पोर्ट की गई थी, मैन्युफैक्चरर कौन सा था, उन सब चीज़ों का जो है प्रॉपर रिकॉर्ड लाइसेंस होल्डर रखेगा। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है कोई भी फर्दर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी जो है उसके साथ कंप्लाई करेगा, अगर कोई भी इस तरह की एप्लीकेबल होगी कि क्लिनिकल ट्रायल वगैरह के लिए एग्जामिनेशन या टेस्ट वगैरह के लिए,
जो भी ड्रग यूज़ की जा रही है उस पर कोई और इस एक्ट के तहत या लाइसेंसिंग अथॉरिटी फर्दर कोई और एक्स्ट्रा फर्दर रिक्वायरमेंट बताती है, ठीक है, तो उसके साथ भी वो जो है कंप्लाई करेगा और उसका जो है नोटिफिकेशन एटलीस्ट 1 मंथ पहले जो है उसे नोटिस दिया जाएगा। रूल नंबर 13 हमारे पास है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो भी मेडिसन हैं उनकी जो है स्मॉल क्वान्टिटीज़ जो है इम्पोर्ट की जा सकती हैं, अदरवाइज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब वो ड्रग ऐसे नहीं ला सकते कोई भी सिर्फ अनटिल एंड अनलेस अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए ना हो। तो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कंडीशन है, सबसे पहला जो है ड्रग जो है वो पैसेंजर के जो बोनाफाइड बैगेज होगा उसका पार्ट होगा, ठीक है, मतलब वो जायज़ तरीके से उसका जो है लेकर आ रहा होगा, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं हो, ठीक है, उसका पार्ट होगा और सिर्फ उसके पर्सनल यूज़ के लिए होगा उस पैसेंजर के, ठीक है। और क्वांटिटी जो है एक ड्रग की वो 100 डोजेस से ज़्यादा नहीं होगी। अब इसमें क्या है कि अगर पर्सनल यूज़ जो है वो ड्रग है उसका जो है वो बोनाफाइड पर्सनल बैगेज नहीं है तो वो भी जो है अलो की जा सकती हैं। अब कुछ कंडीशन में, सबसे पहला कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो एप्लीकेशन लेगी, ठीक है, मतलब जब भी उसकी इंपोर्ट की जा रही होगी उससे पहले जो एप्लीकेशन ली जाएगी और अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ भाई ये जो है पर्सनल यूज़ के लिए जायज़ है और उसके बाद वो उसे जो है परमिशन दे देती है कि इंपोर्ट कर ली जाए जो है ये ड्रग, तो फिर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंसिंग अथॉरिटी देखेगी कि ये जो क्वांटिटी इंपोर्ट की जा रही है वो मतलब प्रॉपर है प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी है और वो प्रॉपर जो है प्रिस्क्रिप्शन कोई कवर कर रही है, कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी इस तरह से तो नहीं है। रूल नंबर 14 हमारे पास है जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग इम्पोर्ट। जब भी इम्पोर्टर ऑफ ड्रग अगर जो है इम्पोर्ट कर रहा है तो वो जो है इन जनरल प्रोविजन को कंप्लाई करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट जहाँ भी जो है पर्सनल यूज़ के लिए मेडिकेशन से उसके अलावा अगर कोई भी मेडिकेशन हो, फिर चाहे वो स्मॉल अमाउंट्स में हो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह के लिए या फिनिश फार्म के अलावा जो ड्रग्स की इम्पोर्ट हो रही थी, तो इम्पोर्टर जो है वो कोई भी जो है पर्सनल उसकी तरफ से अथराइज होगा जो इंटर हो सकता है, कोई भी जो है प्रायर अथराइजेशन के बिना जो है अगर कोई नोटिस दे या ना दे उसके बिना जो है वो उस इम्पोर्टेड ड्रग के स्टॉक वाले एरिया में जो है आ सकता है और आने के बाद जो है ना वहाँ की प्रॉपर जो है स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट करेगा और उसके अलावा वहाँ से जो है सैंपल भी ले सकता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो है पर्सनल किसकी तरफ से ऑथराइज होगा, इम्पोर्टर की तरफ से। उसके अलावा इम्पोर्टर जो है वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड उसको इन्फॉर्म करेगा या जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी का जो भी बोर्ड होगा या जो ऑफिसर है अथराइज़ किया गया उनकी तरफ से, ठीक है, कोई भी चेयरमैन ऑफ प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, ठीक है, कि हमें जो है किसी भी बैच जो है उसका अगर कोई ड्रग ऐसी है कि वो जो है इन रूल्स की प्रोविजन से कंट्रावीन कर रही है या इस एक्ट की जो है प्रोविजन से कंट्रावीन कर रही है तो उन्हें जो है विदड्रॉ करेगा जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी होंगी उस बैच की, तो उनकी सेल और जो भी फर्दर है तो उन्हें जो है विदड्रॉ कर लेगा, रिकॉल कर लेगा जो भी क्वांटिटी उनकी इशू की गई है, ऑलरेडी जो भी बैच डिस्पोज कर दी गई है वो सारी की सारी जो है वापस बुलाई जाएगी जिस तरह भी जो है बोर्ड या अथॉरिटी बताएगी कि भाई ये ड्रग में ये मसला है तो आप इसे जो है रिकॉल कर लें। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टर होगा ड्रग का वो सारे के सारे जो है ना रिकॉर्ड रखेगा सेल्स के, चाहे होलसेल की गई है जो भी इम्पोर्टेड ड्रग्स थी उनकी अगर होलसेल की गई है तो उसका जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड रखेगा और वो रिकॉर्ड जो है वो ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, मतलब जो भी अथराइज पर्सन होगा उस बिहाफ पे तो वो जाके जो है उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके अलावा इम्पोर्टर जो है ना वो यकीनी बनाएगा कि जो भी हमारे पास इम्पोर्ट हो रही है बैचेस की, मतलब जो भी ड्रग की, तो वो जो है बैच सर्टिफिकेट सबसे पहला जो है फॉर्म 7 के थ्रू वो कॉम्पिटेंट हेल्थ अथॉरिटी या जो भी एजेंसी होगी कंट्री की, मतलब जहाँ से एक्सपोर्ट की जा रही है उससे जो है वो
बैच सर्टिफिकेट लिया जाएगा फार्म सेवन के थ्रू, मतलब जहाँ से भी हमने इंपोर्ट किए ड्रग वहाँ की जो है एजेंसी होगी कंट्री की जहाँ से ड्रग ली गई है या उस मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड वहाँ की जो हेल्थ अथॉरिटी या एजेंसी है वो सर्टिफिकेट देगी उस बैच का। इसके अलावा जो भी टेस्ट रिपोर्ट की गई है ड्रग, मतलब वहाँ की कॉम्पिटेंट हेल्थ अथॉरिटी या जो भी हेल्थ एजेंसी वगैरह थी वो जो है टेस्ट रिपोर्ट देगी कि भाई हमने इस पर टेस्ट करके फिर भेजें, तो उसकी कॉपी भी जो है वो जो है लाजमी रखेगी देगी उसके साथ। इसके अलावा इम्पोर्टर जो भी है ड्रग का वो जो है इंस्पेक्शन बुक ज़रूर रखेगा, जिसमें जो है ना रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो के जो भी मेंबर है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के या इंस्पेक्टर जो है वो अपनी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जब भी उनकी विज़िट होगी तो वो जो है इंस्पेक्शन बुक में अपनी जो है प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी क्या उसके बारे में जो है ख्याल थे, कोई भी उसने चीज़ जो है नोटिफाई की, कोई भी डिफेक्ट नोटिफाई किया उसकी तरफ से इंस्पेक्शन के दौरान, तो वो सब जो है उस बुक में लिखे जाएंगे और साइन करेगा वो जो भी इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रेशन बोर्ड का मेंबर होगा, ठीक है। उसके अलावा जो लाइसेंसी है मतलब लाइसेंस होल्डर है या जो भी उसकी तरफ से अथराइज बंदा होगा वो भी साथ में जो है साइन करेगा। इसके अलावा इम्पोर्टर जब भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है उसे कि भाई उसकी जो है ड्रग पहुंच गई है पोर्ट के ऊपर जो भी है, तो उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेशन रिपोर्ट जो है वो फॉर्म एड के थ्रू उसकी 3 कॉपीज़ लेके इनवाइस की जो भी मतलब उसने क्वांटिटीज़ मांगी है, तो अथराइज जो वहाँ पे होगा ऑफ़िसर उसके पास फेडरल गवर्नमेंट के अथराइज ऑफ़िसर के पास लेकर जाएगा, ठीक है, ताकि जो है ग्रांट या क्लियरेंस मिल सके उसे अंडर रूल नंबर 15, ताकि वो जो है अपनी ड्रग ले जा सके। इसके अलावा रूल नंबर 15 हमारे पास है प्रोसीजर्स एट कस्टम पोर्ट, कोई भी ड्रग जो है ना वो कस्टम पोर्ट से वहाँ से मतलब रिलीज़ नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना वो नहीं मिल जाता इम्पोर्टर से, ठीक है, मतलब जो है ऑफिसर जो भी अथराइज्ड है वो ख़ुद से जो है एक सर्टिफिकेट बना के देगा क्लियरेंस का। जब तक वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता ना अथराइज ऑफिसर की जानिब से फेडरल गवर्नमेंट वाले, तब तक जो है वो ड्रग वहाँ से रिलीज़ नहीं की जाएगी। अगर कलेक्टर जो भी है कस्टम्स का या जो अथराइज ऑफिसर है वो किसी भी रीज़न की वजह से उसे शक होता है कि ड्रग जो है ना वो इस एक्ट की या रूल की जो है प्रोविजन से कंट्रावीन कर रही है, उनके साथ कंप्लाई नहीं कर रही, तो वो जो है ना ऑफिसर जो भी अथराइज होगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो है सैंपल्स दे सकता है उस ड्रग के, वो जो है ना ऑफिसर इंचार्ज को जो है फॉरवर्ड किए जाएंगे, जो भी लेबॉर्ट्री की तरफ से ऑफिसर इंचार्ज होगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया होगा, ठीक है, फिर उसमें से जो है ना उसकी टेस्टिंग होगी और उस बैच को मतलब वो जो ड्रग आई है उसको जो है तब तक अपने पास रखेगा, वहाँ से जो है रिलीज़ नहीं करेगा जब तक जो है ऑफिसर इंचार्ज की रिपोर्ट नहीं आ जाती जो भी सैंपल भेजा गया था और वो रिपोर्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री ना हो तब तक जो है उसको अपने पास रख सकता है। इसके अलावा अगर इम्पोर्टर जो भी है मतलब जिसने वो ड्रग मंगवाई है वो अगर रिटन फॉर्म में दे देता है कि वो जो है इस ड्रग को ना तो जो है डिस्पोज करेगा ना जो है इसको इधर उधर कोई भी करेगा किसी कंसेंट के बिना के, कलेक्टर कस्टम जब तक जो है इजाज़त नहीं देगा तो वो जो है इसको ऐसे ही अपने पास संभाल के रखेगा और रिटर्न करेगा जब भी अगर कोई भी जो है कस्टम ऑफिसर जो कलेक्टर था वो अगर वापस मांगता है या उसमें से कुछ क्वांटिटी मांगता है तो वो वापस उसको दी जाएगी। तो जब भी ये चीज़ जो है रिटन फॉर्म में देगा इम्पोर्टर तो फिर जो है कलेक्टर जो है वो उसको हैंड ओवर कर सकता है वो ड्रग के, भाई तब तक जो इम्पोर्टर अपने पास अपनी मेडिसिन रख ले जब तक हमारे पास जो है रिपोर्ट आ जाती है तो वो जो है उसकी जो है हैंड ओवर कर सकता है। इसके अलावा सब रूल नंबर 3, अगर इम्पोर्टर जिसने भी जो है अंडरटेकिंग दी है कि भाई सब रूल 2 के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि मैं जो है वापस ये चीज़ें, तो वो जो है कलेक्टर जो भी है कस्टम का उसको रिटर्न करेगा जो भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, चाहे फिर टोटल अगर जो है
ड्रग वापस मंगाए या उसका कोई पोर्शन अगर कलेक्टर जो है कस्टम का वो वापस मंगाता है तो फिर जो है वो विदिन 10 डेज़ के अंदर अंदर जैसे ही मतलब कलेक्टर ने नोटिस निकाला तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है इम्पोर्टर को वो इतनी क्वांटिटी जितनी उसने स्पेसिफाई की होगी या पूरी ड्रग जो भी मंगाई होगी वो जो है वापस कलेक्टर को दी जाएगी जो भी कस्टम्स का होगा। सब रूल नंबर 4 हमारे पास है कि अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज जो है लेबॉर्ट्री का जो भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया था इस पर्पज़ के लिए कि वो जो है ड्रग टेस्ट करके दे रहा है तो वो जो है रिपोर्ट करेगा कलेक्टर को जो भी कस्टम्स का कलेक्टर था कि भाई सैंपल जो ड्रग के ना वो स्पेसिफिकेशन से नहीं मिलते या जो है वो कंट्रावीन कर रहे हैं इन प्रोविजन को जो भी इस एक्ट की प्रोविजन या रूल की प्रोविजन है उनको कंट्रावीन कर रहे हैं और कंट्रावीन ऐसी है कि वो जो है ना इम्पोर्टर उसको सही नहीं कर सकता तो फिर जो है कलेक्टर कस्टम्स जो है वो रिपोर्ट जो है कम्युनिकेट कर देगा इम्पोर्टर को और इम्पोर्टर को जो है ना विद इन 2 मंथ्स मतलब अगर उसे जो है आज रिपोर्ट मिलती है वो कम्युनिकेशन मिलती है तो वो उसके 2 महीने के अंदर अंदर या तो सारी की सारी जो है ना ड्रग वापस उसी कंट्री को या मैन्युफैक्चरर को भेजेगा जहाँ से उसने वो इम्पोर्ट की थी ठीक है या वहाँ नहीं भेजता तो फिर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे देगा सारी ड्रग के वो जो है डिस्पोज ऑफ कर दी जाए जिस तरह भी रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा अगर जो है ना इम्पोर्टर सोचता है कि नहीं मैं जो है इसको जो है अपील करूँ तो वो विद इन 15 डेज़ जैसे ही मतलब उसको रिपोर्ट मिली तो रिपोर्ट के जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना अपनी दरख्वास्त दे सकता है कलेक्टर ऑफ कस्टम को ठीक है फिर वो जो है उसकी दरख्वास्त आगे फॉरवर्ड करेगा सैंपल के साथ साथ जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को और फिर जो है रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है वो उसको देखने के बाद अगर फर्दर जो है इन्वेस्टिगेट करेगी और ऑफिसर इंचार्ज की जो है रिपोर्ट लेगी जो भी फेडरल ड्रग लेबॉर्ट्री का होगा और फिर उस रिपोर्ट के बाद जो है वो आर्डर जारी करेगी और वो आर्डर जो होंगे वो जो है फाइनल आर्डर होंगे मतलब 15 दिन के बाद मतलब उसने 15 दिन के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन की दरख्वास्त की दोबारा से अगर उसके बाद भी आर्डर दोबारा से उसके अगेंस्ट आ जाते हैं तो वो जो है आर्डर फाइनल होंगे। अगर जो है इसके अलावा ऑफिस इंचार्ज जो भी है लेबॉर्ट्री का जो अपॉइंट किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो रिपोर्ट करता है कलेक्टर को कि भाई सैंपल जो है ना वो कंट्रावीन तो कर रहे हैं इन प्रोविजन को मतलब जो भी एक्ट या रूल की प्रोविजन है उनको कंट्रावीन कर रहे हैं मगर कंट्रावीन ऐसी हैं कि उनको जो है ना इम्पोर्टर खुद से ठीक कर सकता है तो कलेक्टर कस्टम जो भी है ना वो ये चीज़ें जो है बता देगा ये रिपोर्ट जो है इम्पोर्टर को बता देगा और उसे जो है ना कहेगा कि ठीक है तुम जो है ये ड्रग रख सकते हो मगर उससे लिखवाएगा कि वो जो है ना तब तक इस ड्रग को मार्केट में नहीं भेजेगा जब तक ठीक नहीं कर लेगा मतलब जो चीज़ वो कंट्रावेन कर रहा था वो सही नहीं हो जाती तब तक जो है वो ड्रग मार्केट में नहीं आएगी। इसके अलावा फेडरल इंस्पेक्टर प्रोविजनल इंस्पेक्टर या जो भी जो है पर्सन ऑथराइज किया गया होगा फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो जो है ना फिज़िकली इंस्पेक्ट कर सकता है उस जो है इम्पोर्टेड ड्रग को जो वहाँ पर आई है और वहाँ से जो है सैंपल ले सकता है हर बैच से टेस्ट के लिए या एनालिसिस के लिए जब भी नेसेसरी हो। अगर जो है कंसाइनमेंट मतलब रिलीज़ कर दी गई है कस्टम ऑफिसर की जानिब से कस्टम ऑफिसर ने उसको रिलीज़ कर दिया इम्पोर्टर यूज़ कर रहा है अब यूज़ करते हुए भी जो है ना फेडरल इंस्पेक्टर के पास अथॉरिटी है कि वो जाके जो है उसमें से जो है सैंपल ले सकता है या जो है उसकी बैच में से सैंपल ले सकता है टेस्टिंग वगैरह के लिए और उसके अलावा जो है इम्पोर्टर को आर्डर भी जारी कर सकता है कि ये जो है ना सेल नहीं करे या जो है इस ड्रग को मार्केट में जो है ना नहीं भेजे जब तक जो है इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। नॉर्मली जो है 1 मंथ का पीरियड के भाई इस पीरियड के दौरान अगर रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उसके बाद वो जो है अगर रिपोर्ट उसके हक में आ जाती है तो फर्दर वो सेल करे अदरवाइज़ जो है तब तक उस ड्रग की सेल को रोका जाए। इसके अलावा फेडरल इंस्पेक्टर या प्रोविजनल इंस्पेक्टर जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा वो जो है ना ड्रग के डिस्पोजल को मतलब ड्रग जो मार्केट में जा रही है उसको भी जो है ना इससे लॉन्गर पीरियड के लिए भी रोक सकता है मतलब 1 महीने से ज़्यादा या जो भी उसको लॉन्गर पीरियड रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए भी रोक सकता है अगर उसे कोई भी शक होता है कि जो इम्पोर्ट ड्रग है वो किसी भी तरह से जो है इस एक्ट या रूल की प्रोविजन को कंट्रावीन कर रही है
तो फिर उस केस में जो है ना वो एक महीने से ज़्यादा भी या रिक्वायर्ड टाइम पीरियड से ज़्यादा भी जो है ना उस इम्पोर्टर को रोक सकता है। तो इस केस में जो है इम्पोर्टर कोई भी ड्रग जो है मार्केट में डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, नहीं भेजेगा, जब तक उसे जो है सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता सेल करने के लिए कि ये जो फलां बैच है या ये जो ड्रग है इसकी जो है सेल के लिए प्रॉपर जो है अब सर्टिफिकेट मिल गया है सर्टिफिकेट अथॉरिटी के जानिब से, तब तक जो है वो उसको जो है डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। इसके अलावा रूल नंबर 16 हमारे पास है सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस टू इम्पोर्ट ड्रग। अगर मैन्युफैक्चरर या लाइसेंसी जो है वो किसी भी तरह से जो है इन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता, लाइसेंस के लिए जो भी कंडीशन बताई गई हैं इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए, या जो है वो वायलेट करता है कोई भी प्रोविजन इस एक्ट की या रूल की जो भी यहाँ बताई गई हैं, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर उसको हेयरिंग अपॉर्चुनिटी देगी लाइसेंसी को, लाइसेंस होल्डर को। हेयरिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है, उसके बाद अगर वो समझती है कि ये जो है फर्दर इससे जो है कंट्रावीन कर रहा था और ये चीज़ें, तो उसके बाद वो जो है रिटन फॉर्म में और रीज़न के साथ सस्पेंड या कैंसिल कर सकती है लाइसेंस जितना भी टाइम पीरियड उसे लगता है रिक्वायर्ड है कि भाई इतने टाइम पीरियड के लिए इस कंपनी का या इस लाइसेंस होल्डर का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, या हो सकता है कि हमेशा के लिए भी जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, या जो है कंप्लीट लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। मतलब ये कि उस लाइसेंस होल्डर के सब जो है लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कर दिए जाए, ठीक है, या जो है सिर्फ कुछ ड्रग्स जो उससे रिलेट करती हों, मतलब जो ऑफेंस किया गया है सिर्फ उससे रिलेटेड जो ड्रग्स हों सिर्फ उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। तो ये डिपेंड करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी पे, और उसके अलावा कि भाई जो ऑफेंस था मतलब उसने जो रूल्स की या एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन की वो कितनी ज़्यादा सीरियस थी उसकी बेसिस पे, और वो कितना ज़्यादा जो है ना पब्लिक हेल्थ के लिए ख़तरा था, और तो उसकी बेसिस पे लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर जो है उसके बाद प्रोहिबिट कर देगी कि वो जो है किसी भी तरह की ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं इंपोर्ट कर पाएगा। इसके अलावा अगर जो भी शख्स जिसका मतलब लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया गया है वो इससे एग्री नहीं करता डिसीशन से, तो वो विद इन 60 डेज़ के अंदर अंदर, मतलब 60 दिन जैसे उसको ऑर्डर मिला उसके 60 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है एपीलेट बोर्ड को। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का, उम्मीद करता हूँ आपकी सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फर्दर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है चैप्टर नंबर 3 एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स से आगे कंटिन्यू करेंगे, कम्प्लीट कर लेंगे इसको।